आईजीटी सॉल्यूशन गुड़गांव, बहुत अच्छी कंपनी है। थोड़ी सी मैंने रिसर्च भी करी है इसके बारे में। L1 टेक्निकल डिस्कशन था रिएक्ट आर्किटेक्ट के लिए, और ये आधे घंटे चला है इंटरव्यू। और इसमें उन लोगों का थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था इंटरव्यू से पहले, तो ग्लास डोर पे 4.5 रेटिंग है और एम्बिशन बॉक्स पे 3.5 है। तो ग्लास डोर पे 4.6 इनफैक्ट, तो ये 4.6 तो बहुत अच्छा रेटिंग है, शायद वो गूगल का भी नहीं होगा। पता नहीं इन्होंने KRA में तो नहीं डाल दिया एम्प्लॉयज के। और एम्बिशन बॉक्स पे 3.5 था, बट एम्बिशन बॉक्स मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लोग ज़्यादा है उस पर इन्वॉल्व थे, तो उन लोगों के लिए अलग चैलेंजेस होते हैं। शिफ्ट टाइमिंग्स कम, वेजेस मिलते हैं उन लोगों को, और वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है उनके लिए, टफ होते हैं। तो वो वाला एनवायरनमेंट, तो मतलब उसमें भी 3.5 लेके आना एम्बिशन बॉक्स पे, आई थिंक ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओवरऑल कंपनी ठीक लगी मेरे को, क्योंकि अगर इसको कंसोलिडेट भी करें ना ग्लास डोर और एम्बिशन बॉक्स को, तो ये 4 के आसपास आएगी रेटिंग निकल के, 4, 4.1, विच इज़ अगेन वेरी गुड बेंचमार्क। तो अगर कोई कंपनी आपको 4 से अबव दिखे और वो आपको लगे कि आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है रेटिंग, तो बहुत अच्छा है, आप उस कंपनी के लिए जा सकते हो, जाना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को पता नहीं था ये, हालांकि सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट ठीक है, रहता है कई जगह, अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, तो उधर लोग ठीक महसूस करते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ MNCs जो बाहर गोरे लोगों ने खोली है वही अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपना विपुल दोषी जी, ये तो नाम से देसी लग रहे हैं, इन्होंने भी अच्छा काम किया होगा। तो कंपनी कल्चर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ ये मत सोचना कि इंडियन है तो थोड़ा रहेगी, ये चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, उतना नहीं लग रहा मेरे को इसमें। तो सबसे पहला उन्होंने बाउंसर फेंक दिया, अगेन हाउ डू यू मेंटेन कोड क्वालिटी अमंग ऑल टीम मेंबर्स। अभी टीम मेंबर्स में जब कोड क्वालिटी आ जाती है, तो फिर यहाँ पे आ जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स हम कैसे लगा सकते हैं? चेक्स लगा सकते हैं एक दूसरे का पीयर टू पीयर कोड रिव्यू करवा के। गिटहब पे कम से कम मिनिमम 2 रिव्यूअर सेट कर दिए जाते हैं, जो उनके 2 अप्रूवल के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। और उसके बाद लिंटिंग टूल्स हैं, सोनार क्यूब है, तो वो सारी कोड क्वालिटी मेंटेन करने में आपको हेल्प करेंगे। ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे। उसके बाद अगेन उन्होंने बोला कंपोनेंट वर्सेस एलिमेंट। तो कंपोनेंट जो है एलिमेंट्स को होल्ड कर लेता है, तो इसे ऐसे समझो कि जो भी एलिमेंट होंगे, JSX एलिमेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट में रैप कर लेते हैं। तो मैंने तो रिएक्ट का सोच के जवाब दिया। उसके बाद वो नेक्स्ट पेज आए कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो फिर मैं बताया भाई मैं फंक्शनल कंपोनेंट में किया, तो उसमें तो लाइफ साइकिल हुक्स नहीं बोलते, उसमें हुक्स ही बोलते हैं सिर्फ। सो फंक्शनल कंपोनेंट पे फिर उन्होंने बोला कि क्या हम लाइफ साइकिल हुक्स को फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ कर लेंगे? तो मैंने बोला नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं, मैं उनका सुन के लगा मेरे को कि पॉसिबल होता हो। अब कोई मेरे को 2-4 बार एक ही क्वेश्चन पूछता रहे, आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर, तो मैं तो बोल देता हूँ भाई मेरे को नहीं श्योरिटी है। तो मैं तो वो HI में, मेरे सामने बुक भी खुली हो, तो मैं फिर थोड़ा सा हिल जाता हूँ। पर ठीक लगा मेरे को उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे, दैट्स फाइन। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेस नहीं किया मेरे को आंसर को करेक्ट करने को या मेरे को कंफ्यूज करने को। एडवांटेजेस उन्होंने पूछे फंक्शनल कंपोनेंट के, क्लास कंपोनेंट पे क्या होंगे? तो अब मेरे को उतना कोई मेजर डिफरेंस तो नज़र आता नहीं। मैंने बोला होंगे वो 1-2 वो पिटी चेंजेस होंगे, जो कहते होंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर लो, बाकी क्लास कंपोनेंट इज ऑल्सो एज गुड एज फंक्शनल कंपोनेंट। फिर पूछा स्टेटलेस वर्सेज स्टेटफुल। तो इसमें जब स्टेटफुल आ जाता है, इसमें रेंडरिंग और भी चीज़ें आ जाती हैं। स्टेटलेस जो होता है वो प्योर फंक्शन टाइप से चलता है, और वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है आपके सराउंडिंग से। तो ये मैंने जवाब दिया, उसके बाद वो आगे मूव ऑन हो गए। और माइक्रो फ्रंट एंड पूछा, तो इसमें अगेन ये पहले भी मैंने पुराने इंटरव्यूज में भी बताया, माइक्रो फ्रंट एंड जो होता है ये मिडिल, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हम करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के, और उन छोटे मॉड्यूल्स को हम कलेक्टिवली एक
एप्लीकेशन में चेंज कर देते हैं, दैट टर्न इनटू एन एप्लीकेशन कलेक्शन ऑफ स्मॉल स्मॉल स्निपेट्स और मॉड्यूल्स, तो वो होता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि टूल्स और कौन सा पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हो, तो अब मैं तो npm publish ही करके यूज़ कर लेता हूँ, बट वो कुछ और टूल्स पूछना चाह रहे थे, तो वो मेरे को अभी उस टाइम पे ध्यान नहीं आया। टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जिनसे आप ये npm पैकेजेस इजीली क्रिएट कर लेते हो, वो आप ढूंढ लेना कौन से होंगे पैकेज पब्लिशिंग टूल्स। फिर उन्होंने बोला कि वल्नरेबिलिटीज जो होंगी वो कैसे फिक्स करोगे, तो ये मैंने पास कर दिया, वो कुछ बताया मैंने उन्हें, बट मेरे को लगा कि अल्टीमेटली मैंने बोला यार मेरे को अभी इस पे देखना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी होती है वो कैसे पास करी जाए, और ये एक क्वेश्चन था जो मेरे को आंसर करना चाहिए था, मैं दे नहीं पाया, तो जो पास फेल होगा मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेस बनेगा। और उसके बाद SCSS के एडवांटेजेस पूछे, वो बता दिए मैंने कि SCSS में मेंटेनेबिलिटी का इशू होता है, इसकी हेल्प से हम थोड़ा लेस लाइंस में ज़्यादा कोड कर लेंगे, थीम्स और कस्टमाइजेशन इजी हो जाता है। लोड द डेटा ऑन स्क्रॉल, तो यहाँ पे इन्होंने कंपोनेंट पूछा कि अगर मैं लोड करूँ तो कैसे करूँ, तो फिर मैं बोला ऐसे कर लो या फिर लेजी लोडिंग लगा लो, स्क्रॉल इवेंट पे कर लो, तो वो सब उन लोगों को बताया, बाकी और आप देख लेना इसमें बेटर आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आइडिया यही है कि आप लोग जो भी मैं बताऊँ उसको क्वेश्चंस को तो आप सुन ले समझ लें, बट आंसर्स पे मत जाना, आंसर्स हो सकता है मेरे आधे हों आधे अधूरे हों और इंटरव्यूअर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो वो ठीक है। उसके बाद बोला कंडीशनल CSS इन JSX, तो मैं फिर बताया भाई स्टाइल में आप इफ एल्स करके डाल दो उसमें और रेंडर करा लो तो चल जाएगा। उसके बाद रेंडर कंपोनेंट इन अ गिवन टाइम एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, तो अब कोई कंपोनेंट है या कोई पेज है वो मेरा 5 सेकंड में लोड होना था पर वो 6 में हो रहा है, तो कैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो मैंने फिर बताया लाइट हाउस से देख लो आप, रेंडरिंग देख लो पेंट में, डेव टूल बार जो आता है क्रोम का उसमें भी मिल जाएगा। उसके बाद और भी कुछ फिक्सेस थे, और लास्ट में मैंने बोला कि 9 out of 10 टाइम्स जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम बैकएंड की ही आती है, वो वहाँ पे सर्विस स्लो होती है, कुछ ना कुछ होता है, या ब्राउज़र जो है बहुत इंटेलिजेंट है और ये प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, ठीक है माइक्रो सेकेंड में हो जाएगा, बट वो सेकेंड्स वाला डिफरेंस नहीं आने देता ब्राउज़र, ब्राउज़र बहुत इंटेलिजेंट है, ये निकम्मे कुछ बैठ जाते हैं बैकएंड वाले तो वो कर देते हैं, अच्छा बैकएंड वाला वो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, वो सिंगल शॉट में चला जाता है। उसके बाद मैं पूछा कि कोई क्वेश्चन है क्या, अब मेरे पास JD वगैरह सब आ गया था पर ये कंपनी का नाम ही नहीं था मेरे पास, मैं बोला मैं मेरे पास JD आ गया है कि एक्सपेक्टेड क्या है पर मेरे को कंपनी का नाम तो पता ही नहीं चला, तो फिर बताया कि IGT सॉल्यूशन है, और इसके बारे में फिर मैं थोड़ा सा और पूछा कि सर्विस बेस है प्रोडक्ट बेस है, तो उन्होंने बोला दोनों है पर फिलहाल जो हायरिंग आपकी हो रही है या मेरे वाले रोल के लिए हो रही है वो सर्विस के लिए हो रही है। फिर मैं देखा तो उन्होंने वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस दे डू प्रोवाइड, और ओवरऑल ठीक इंटरव्यू था और इंटरव्यू अच्छा था, इंटरव्यूअर जो था वो बहुत अच्छे थे, हालांकि मेष राशि थी, मेरे को लगता नहीं है वो मेरे को पसंद करेंगे, यहाँ पे मेष राशि एरिस वालों के साथ मेरी जमती नहीं कुछ ज़्यादा। अब इसमें आता है एक क्वेश्चन कि शुड आई ज्वाइन, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस ठीक था, वो थोड़ा कॉल सेंटर वाले थोड़ा हल्ला मचा रहे थे, पर उनका ना वो ऑड आवर्स का शिफ्ट टाइमिंग्स जो होती है ना वो बड़े ऑड आवर्स में होती हैं, तो मतलब किसी का UK है किसी का US टाइमिंग्स है, तो वो फिर वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब कर देता, तो ठीक है उनका, बट जितना भी रिसर्च किया ये ठीक है, कंपनी अच्छी लगी मेरे को, बाकी एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो बेटर बता पाएंगे, पर जो भी रिसर्च कर पाया मैं आधे एक घंटे में वो तो ठीक थी।
ओके, थैंक यू गाइज।